हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो फाइनली दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि आखिरकार रेलवे JEE CVT 1 एग्जाम कितने दिनों तक चलेगा और इसका क्या एग्जाम शेड्यूल रहेगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों का रेलवे JEE CVT 1 एग्जाम आखिरकार कितने दिनों तक चलेगा और कब आपका एंड होगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे ताकि वे लोग अपनी टिकट बुकिंग कर सके या फिर जो लोग जॉब करते हैं वे लोग लीव ले सके। तो दोस्तों, सारी चीजों का सलूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो सर्कुलर जारी किया गया है आपको अभी किसी भी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्कुलर जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के द्वारा, वहां की जो लोकल जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनको जारी किया गया था। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम जब भी कंडक्ट किया जाता है तो वहां पर जो कानून व्यवस्था रहती है उसको मेंटेन करनी पड़ती है, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड यहाँ पर महेंद्र घाट पटना के द्वारा यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया गया था, जो वहां की लोकल बॉडी थी, गृह सचिव बिहार सरकार पटना को, पुलिस महानिदेशक पटना, ऐसे करके आप देख सकते हैं, अपर पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक कानून और व्यवस्था पटना, ऐसे करके काफी लोगों को दिया गया था। यहाँ पर बोला गया क्या गया था दोस्तों कि महोदय, विषय CN नंबर 03/2018 के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर DMS एवं CMA पदों के लिए दिनांक 22 मई 23 मई 24 मई 25 26 27 28 29 30 मई 31 और 1 जून और 2 जून को कुल 12 दिनों के 2 या 3 पालियों में प्रथम चरण हेतु होने वाली कंप्यूटर बेस्ड CVT का आयोजन किया जाएगा। CN नंबर 03/2018 के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर DMS एवं CMA पदों के हेतु प्रथम चरण की कंप्यूटर बेस्ड का आयोजन का आयोजन दिनांक 22 मई 2019 23 मई 2019 कुल 12 दिनों तक होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पटना स्थित कई केंद्रों पर अधिकतम 2 या 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र की सूची 2 पृष्ठों में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम निम्न अनुसार होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि CVT की टाइम आप लोग अपने जो एग्जाम सीट इंटीमेशन होगा उस पर भी ऐसा ही कुछ दिया होगा था। तो नीचे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि सेम है कि नहीं है। फिर यहाँ पर बोला गया कि कदाधार मुक्त एवं निर्विघ्न परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षा केंद्र के आसपास कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध है कि निर्धारित परीक्षा केंद्र पर वांछित संख्या में पुलिस बल के साथ साथ कम से कम एक दंडाधिकारी तैयार की जाए। परीक्षा के सफल संचालन हेतु इस रेलवे भर्ती बोर्ड को आपकी अचूक सहायता अपेक्षित है। इस संबंध में संपुष्ट की एक पंक्ति की प्रशंसनीय होगी, संलग्न यथोयक्त। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर संजीत कुमार मिश्रा, यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं। तो आखिरकार दोस्तों, फाइनली ये क्लियर हो गया कि आपका जो रेलवे JEE CVT 1 एग्जाम है वो कुल 12 दिनों तक चलेगा और ये आपका 2 जून तक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना था कि जो काफ़ी लोग अनसर्टेनिटी थी कि अनिश्चितता थी कि आखिरकार आपका एग्जाम कब तक चलेगा, तो दोस्तों एक क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम जो इस सर्कुलर के माध्यम से कि आपका एग्जाम कुल 12 दिनों में चलेगा और ये आपका एग्जाम जो है 2 जून को खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 जून के बाद फिर CGL का एग्जाम है, तो इसलिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहती हैं वो आपको मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए गुड बाय।